वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हेड ग्रंथी भाई जगतार सिंह जी श्री दरबार साहब अमृतसर साहब उन्होंने परसों जिहड़ा है दरबार साहब तो कथा करदे होए हैं गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने वल्लों उच्चारण किया गया आनंद साहब रामकली महल्ले की बाणी रामकली राग की बाणी जिहड़ा है महाराज साहब की उच्चारण की हुई गुरु अमरदास पातशाह महाराज की बाणी उहदे उपर उन्होंने गल करदिआं किया है कि जिहड़ा 40 पौड़ियां ने आनंद साहब दीआं उहदे विचों 38 पौड़ियां गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दीआं अते जिहड़ी 39वीं पौड़ी है वह गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दी है जिहड़ी 40वीं पौड़ी है वह गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दी है जबकि 38वीं पौड़ी तो बाद पढ़न वास्ते नहीं मिलता कि महला चौथा तो उस तो बाद 40वीं पौड़ी तो पढ़न वास्ते नहीं मिलता महला पांचवा जबकि होर जो असी गुरबाणी पढ़ते हैं तो सानू पढ़न वास्ते मिलता नाल दी नाल जिहड़ा है वह जो श्लोक है गुरु साहबान का उत्थे महला पांचवा लिखा मिलता जेकर गुरु नानक साहब महाराज वालों जां गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी वालों चलती हुई गुरबाणी के कहण का भाव जेकर गुरु नानक पातशाह महाराज की बाणी चल रही है तो उहदे विच कोई श्लोक आया गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का जां गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का उहदे बकायदा लिखिया है कि महला पांचवा महला तीजा पर इत्थे कोई लिखिया नहीं मिलता महला तीजा या कहण का भाव महला चौथा जां महला पांचवा पढ़न वास्ते मिलता नहीं है पर यह ज्ञानी जगतार सिंह पता नहीं क्यों जड़ा है कौम दे विच दुबधा पाउण वास्ते बिना वजह कहानी नूं उलझाउण वास्ते ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने वल्लों बोलियां जा रही ने कहण दा भाव ये जिम्मेवार संस्था है जिम्मेवार संस्था का हेड ग्रंथी है जिहड़ा श्री दरबार साहब विखे ड्यूटी निभा रहे हैं खैर जिम्मेवार संस्था का ये जिहड़ा सेवां जरूर निभा रहे हैं पर यह व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है ये व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है जिम्मेवारी वाला अहुदे के उपर जरूर बैठा होया है पर जिम्मेवारी निभा नहीं रहा कदे रागी सबाना के मसले के उपर कंट्रोवर्सी पैदा करता है तो प्रचारकों के मसले के उपर भी ये जड़ा जो ज़्यादा चप्पलां चाड़ता जो ज़्यादा जोड़े चाड़ता उन्होंने मौका मिलता है तो अज इन्होंने आप कथा करदे जिहड़ा कौम नूं झंझोड़ा दिता है ये समझ नहीं आ रहे है ये कहानी कित्थों शुरू हो रही है तो कित्थे इहनूं खत्म करना चाहते हैं ये आपू ही बनाया होया सारा जालताल है पता नहीं किवें चल रहे हैं कितने डेरेदार कह देंगे कि गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के वलों सुखमनी साहब की बाणी जो उच्चारण की जा रही थी तो बाणी उच्चारण करद्या करद्या महाराज की बाणी रुक गई तो फिर जड़ा बाबा श्री चंद को बुलाया जाता है और उस तो बाद बाणी तोरी जाती है ये डेरेदारों ने कहानियां घड़िया मन में इदा गल करते हैं जिमें ये गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज के वक्त महाराज साहब के कोले बैठे होने के बाणी रुक गई कोले बैठे से फिर बाबा श्री चंद ने बाणी चलाई है तो भाई जगतार सिंह भी इमें बोल रहे हैं कि गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी वालों 38 पौड़ियां उच्चारण कीतियां ने 39वीं ते 40वीं जिहड़ा गुरु रामदास पातशाह महाराज अते गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी वालों उच्चारण कीतियां होईयां ने ये मैं बेनती करना चाहुंदा हाँ जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहब जदों कोई होर गलबात हुंदी है तां फट ही उन्होंने तलब किया जाता इतने जवाब दो तलब किया जाता तुसीं कौम दुविधा पाई है तुसीं कौम दे विच आप खेड़ा खड़ा कर दिता है कि ज्ञानी जगतार सिंह नूं तलब करोगे कि ज्ञानी जगतार सिंह नूं पुछोगे या ज्ञानी जगतार सिंह इहदे बारे अपना स्पष्टीकरण देणगे स्पष्टीकरण दा की देणगे ज्ञानी जगतार सिंह कोई ना कोई जिहड़ा है हो सकदा है कद किसे लिखत नूं सामने लै आउण पर प्रोफेसर साहब सिंह तो वधीक वधिया लिखत होर सामने कोई है नहीं जिहड़ी साडे कोले प्रमाणित होवे अते जिहड़ी बहुत ज़्यादा वधिया होवे सिंह जिहड़ा प्रोफेसर साहब सिंह तो वधीक लिखत होर कोई नहीं है इस करके प्रोफेसर साहब सिंह का टीका जो पढ़ते हैं तो सानू ये चीज़ा जी अर्थों में पढ़ने वास्ते मिलती ना सरलेख में पढ़ने वास्ते मिलती ने पर पता नहीं ना जाना गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के जीवन के नाल ये खिलवाड़ क्यों किए जा रहे हैं अज दरबार साहब का हेड ग्रंथी कर रहे हैं तो कदे अडूडा निंदा मलंग कलाकार है गुरदास मान ये लाडी शाह मलंग के डेरे के खड़ के बोलता है कि सतगुरु मां पाया आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मां पाया वह गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी बोलता अपने जबान तो अते इशारा तो सुरत उहदी लाडी शाह शाह दे वल घूम रही हुंदी है तो किते जड़ा है ये राम रहीम जड़ा डूडाने का यह बंदा है अते ये राम रहीम दे वल्लों भी ये उन्हां डेरेदारां दे वल्लों ते राम रहीम वल्लों उन्हां दे पैरोकारां दे वल्लों
यह सारा ताना बाणा गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिहड़ा गुरबाणी के पासे फैलाया जाता बुनिया जाता कि जिहड़ा संत साजन पहे सरासे पूरे गुर ते जाणी गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कह गए हैं कि संत जिहड़ा सरसे विच बैठे हुए आ सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की इस आनंद साहब की बाणी के नाल जिहड़ा है क्यों ये मजाक किया जाता है। आनंद साहब की बाणी जिन्हों गुरसिख बड़े प्यार नाल भाव सारी बाणी गुरसिख तो प्यार नाल पढ़ता है पर आनंद साहब की ऐसी बाणी है जिन्हों असी खुशी के पढ़ते हैं गमी के पढ़ते हैं भाव कि हर वक्त नितनेम के नितनेम दाणियों के असी आनंद साहब की बाणी पढ़ते हैं तो जेकर जी सा नितनेम दाणी बाणी शामिल है जी गुरबाणी जड़ा है खुशी और गमी हर वक्त भाव के गाया जाता उस गुरबाणी के उपर इतों के हिड ग्रंथी साढ़े भाव हिड ग्रंथी जड़ा श्री दरबार साहब के इदा के बचन बोल कबोल बोलणगे भाव के दुबधा क्रिएट करे तो फिर कितने जा करके इस गल की गुहार लाई जाएगी क्या बंदा जड़ा है गलत कर रहे है। सो कहण का भाव ये जड़ा जथेदार हरप्रीत सिंह वैसे तो इन्होंने करना कुछ नहीं है मूँह घुंगनिया पै जानी है क्योंकि पिछू आका कहूगा कि बोल उदो बोलना है तो वैसे तो बोलना कोई नहीं है तो ज्ञानी जगतार सिंह है हिड ग्रंथी इन्होंने भी कन्ना सिक्का ढल के पा लेना कि मैनू कोई सुनता नहीं है अखों के उपर काली अणकर आने के मैनू कोई दींदा नहीं है कौन कोई सोशल मीडिया से बोल रहे हैं कौन मेरे बारे कह रहे हैं कौन कह रहा कि मैं गलत किया कौन कह रहा कि मैं सही कह रहा क्या है। इस करके कुछ इदा के लोग भी है इदा के कुछ लोग भी है जेडे जगतार सिंह की पिठ भी थापट रहे हैं डेरेदारां दे कथावाचक डेरेदार कथावाचक वो पिट थापट रहे हैं यानी जगतार सिंह जी के बहुत वधिया किया ये तो बहुत वधिया वड्डी खोज जिहड़ा है उन्हां सामने रखी है बहुत गुरत वाला बचन जिहड़ा है उन्होंने अपनी कथा दे विच आख्या इदां हो जिहड़ा ज्ञानी जगतार सिंह दे पासों पी टी सी दे उपर जिहड़ा है दीवान हाल मंजी साहिब विखे टाइम लैण दे वास्ते ये सारा कुछ कर रहे हैं कुछ करनगे ते यहां कुछ किने अपनी जबान नूं ताले ला लेने हैं ये जानदिया होया भी कि गलत है ये सही नहीं है जो जगतार सिंह ने बोलिया सारा कुछ जानदिया होया भी वह बोलणगे नहीं पर मैं प्यार वाले गुरसिखां जरूर कहांगा कि इदां दियां मनमानियां अगां ना चलदियां रहन इदां दियां मनमानियां ये लोग अगां ना करन जरूर जिहड़ा है अपना पक्ष सोशल मीडिया के राही संगतां दे नाल सांझा करो। रागी ढाडी कथावाचक कविशर श्री दरबार साहब के रागी जथे कथावाचक जिन्हां नूं परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने सोझी समझ ते सियाणप ते जुरत बख्शिश की है वह जरूर इस गल दे उपर अपने विचार संगतां दे नाल सांझे करन। इन्हां विच कहिंदा होया खिमां दा जाचक हां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।